हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी और मसालेदार चना नमकीन की रेसिपी। और इसको आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं अपने टी टाइम स्नैक्स में। कभी भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये नमकीन। तो चलिए हम इस टेस्टी से नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक कप रोस्टेड चने। ये आपको किसी भी मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और इनको हम 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। हम इन्हें इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि ये जो चने हैं ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। और हम इन्हें कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप जो लाल मिर्च पाउडर है उसको और भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे जो चने हैं। हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे तो हमारा जो चना नमकीन है वो बनकर रेडी हो गया है। कितना कम समय लगा है इसको बनाने में, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। एकदम क्विक एंड इजी रेसिपी मैंने आपको बताई है। बहुत ही जल्दी आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए अचानक तो आप इसे 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये स्नैक्स जो है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।